Hello friends, I am Shailesh Jaiswal and today we will discuss about the explanation of current, voltage and resistance with the help of water flowing model in a pipe. Okay, so सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेंगे यहाँ पे करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद में मैं इसका हर एक का मीनिंग परफेक्ट समझाऊंगा बाय यूजिंग वाटर फ्लो इन द पाइप. ओके, सो फर्स्ट करंट इज व्हाट हियर इन सिंपली वी डिफाइन द करंट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर में से फ्लो होने वाले चार्ज को करंट बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली उसको उसका फॉर्मूला अगर देखते हैं हम तो करंट आई इक्वल्स टू Q upon T. Here I is a current, Q is a charge, and T is a time. Okay. And second, voltage. Or here we say as a potential difference. So what is the definition of this voltage or potential difference? The work done per unit charge. अब conductor में से अगर current flow होता है, तो उस current, उस charges को flow करने के लिए जो भी कुछ work done लग रहा है, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, और तीसरा है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मींस सिंपली अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हियर वी कैन रिटन एज द करंट आर इक्वल्स टू वी बाय आर और रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी बाय आई. ओके, तो ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन का मीनिंग हम समझ लेते हैं वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप. तो फ्रेंड्स इमेजिन करो कि जैसे दो टैंक है, एक टैंक वन है और एक टैंक टू है. टैंक वन एंड टैंक टू ही है. तो टैंक वन और टैंक टू में ये टैंक टू ग्राउंड लेवल पे है और टैंक वन एक पर्टिकुलर हाइट पे है. ठीक है, तो और इस टैंक वन और टैंक सेकंड में एक कुछ तो भी पर्टिकुलर हाइट है, हम उसको बोलेंगे एच. तो ये टैंक वन और टैंक टू में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, that's called gravitation potential difference. Okay, तो और ऐसे क्या किया हमने कि टैंक वन से एक पाइप कनेक्ट करके टैंक टू में अटैच कर दिया है और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशन एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वाटर टैंक वन में से टैंक टू में फ्लो होगा. ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि वाटर ये consider as a current, pipe is consider as a charge, and the difference between this height between this tank 1 and tank 2 is the potential difference. Okay, so dekho sabse pehle flow of charge through the conductor. Ab jaise yahan pe flow of charge through the conductor, ab ye water ye conductor hua, isme se water flow ho raha hai. Ab yahan pe एक सेकंड में अगर एक लीटर वाटर इस पाइप में से मूव होता है तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकंड. तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर वाटर इन 1 सेकंड. अगर 2 लीटर वाटर 1 सेकंड में फ्लो होता है तो 2 लीटर वाटर इन 1 सेकंड. इट मीन्स दैट लार्ज वाटर फ्लोइंग इन लेस टाइम. ओके, सेम उसी तरीके से वाटर की जगह चार्ज आते हैं कंडक्टर के अंदर में, पाइप बोले तो कंडक्टर, और टाइम की जगह आता है, टाइम इज एज इट इज. ओके, सिर्फ वाटर की जगह आएगा चार्ज. अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, इट मींस दैट 1 एम्पियर चार्ज इज, 1 एम्पियर करंट इज देयर. ओके, 2 कूलम चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, ऐसा इसको बोलेंगे. तो इस तरीके से हम करंट का मीनिंग बता सकते हैं. यहाँ पे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में क्या रहता है, यहाँ पे आपको सबको पता है कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में रहता है यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स. और इस इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज. वोल्टेज मतलब यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल इज नथिंग बट अवर टैंक 1 एंड नेगेटिव टर्मिनल इज नथिंग बट अवर टैंक 2. सो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 टर्मिनल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि
इलेक्ट्रॉन चार्जेस की जगह आ गया वाटर और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आ गया ये टैंक। ओके, तो इस तरीके से करंट इसके अंदर से फ्लो होता है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमें हमने बताया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस बैटरी को ये चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक का फ्लो करने के लिए जो भी कुछ वर्क डन लगा है उसको बोलेंगे W। ओके, सो वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लोइंग दिस चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वजह से वर्क डन हुआ है, मतलब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से वाटर को स्पीड मिली है और वो वाटर ऊपर से नीचे तक का यहाँ पे फ्लो हुआ है। ठीक है, तो दिस टैंक वन इज नथिंग बट अवर पॉजिटिव एंड वी कंसिडर हियर एंड टैंक टू इज नथिंग बट अवर नेगेटिव एंड। सो दो ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस हियर वी से एज अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस हियर वी कंसिडर एज अ कंडक्टर हियर and this is a charge. So this is a charge, okay, and this is a conductor and here we use the potential difference. Okay, so this is the work done per unit charge, it's nothing but the potential difference per unit charge. Ab hai resistance, opposition of flow of charges. Ab resistance ka matlab hota hai ki charges ko oppose karna, flow of charge ko oppose karna. Ab hum yahan pe aisa consider karte hai ki agar मैंने यहां पे एक स्टोन डाल दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहले जिस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा था अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या कि स्टोन एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, अगर मैं इससे बड़ा स्टोन डालूं तो अपोजिशन और ज्यादा रहेगा, और बड़ा डालू तो अपोजिशन बहुत ज्यादा रहेगा और आखिरी में फ्लो ही बर्न हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक इसमें अगर 1 लीटर इतना वाटर है तो ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, स्टोन के जो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि 1 लीटर वाटर या इस टैंक में से इस टैंक में आने के लिए टाइम लगेगा। जितना ज्यादा बड़ा स्टोन हम यूज करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि करंट I इक्वल्स टू V बाय R, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, मींस अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। और वहां पे कोई चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस स्टोन क्या कर रहा है कि सिर्फ उस फ्लो को अपोज कर रहा है, देयर इज नो लॉस ओनली अपोजिशन ऑफ चार्ज। सो हियर वी से एज अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मैंने अभी समझा आपको कि स्टोन डालने से क्या होता है कि यहाँ का टैंक वन से टैंक टू तक के जाने वाला फ्लो जो है उसका फ्लो कम हो जाता है ओनली अपोजिशन। और जैसे जैसे हम स्टोन का साइज बढ़ाते हैं उस जैसे जैसे स्टोन का साइज अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे तो अपोजिशन और बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हियर ओम्स ऑफ ही सेज द करंट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, द करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फ्लो ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा फ्लो। सो पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा उतना कम करंट रहेगा। तो इस तरीके से हम सिंपली करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग हम वाटर फ्लोइंग मॉडल पर से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्लोइंग मॉडल इन अ पाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।